Hello dear children, welcome to my English video class for 9th August 2021. I'm sure children, you all are maintaining a good health, you all are doing good and you all are fit and fine in your homes. Do take very good care of yourselves, follow all the COVID protocols, follow all the safety precautions. Stay healthy and stay safe, children. We have completed lesson number 4, which was my school. Then after that, we did one unseen comprehension. I hope, children, it is clear to you ki comprehension kise kehte hain. Comprehension ka matlab jaise aap har ek exercise mein karte ho, so you are not unfamiliar with this word. You all are very much familiar with the word comprehension. Har ek lesson mein, har ek poem mein, the first exercise is comprehension only. So comprehension means to comprehend, to understand. So comprehension is to check your understanding and to check your reading. Reading of the lesson, reading part and understanding ko check karna, that is comprehension. Okay? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक अनसीन कॉम्प्रिहेंशन कराया है. अभी मैं अभी एक दो कॉम्प्रिहेंशन और कराऊंगी. वी विल बी डूइंग फ्यू मोर सो दैट यू गेट यूज टू इट. प्रैक्टिस आपकी हो जाए, ठीक है? तो इन केस ऑफ उसको आप करोगे, जो भी डाउट होगा इसको ऑफकोर्स वी विल डिस्कस दिस इन द क्लास. इसको क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही. आपको जो भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास. फाइन. So now today we will start a poem. But before telling you the name of the poem, of course I have written the name on the board. Board pe to maine likha hai, but still first you turn to page number 41. Okay, page number 41 in your English course book, main course book, that is Wordsworth English Reader. So I hope you malum hai ki we have two English book. One is Wordsworth English Reader, मेन कोर्स बुक, एंड अनदर इज ग्रामर बुक. ओके, नाउ जैसे मैंने बताया था कि बिफोर वी स्टार्ट एनी लेसन, हर एक लेसन से रिलेटेड यू विल नोटिस दैट देयर आर सर्टेन पिक्चर्स, वेदर इट इज इंग्लिश, ईवीएस और हिंदी. आप सब में देखोगे कि लेसन स्टार्ट करने से पहले लेसन पे उससे रिलेटेड पिक्चर्स रहती हैं पेश में. ओके, तो बाई सीइंग द पिक्चर्स ऑल्सो वी कैन मेक आउट कि वॉट इज दिस लेसन अबाउट. पिक्चर्स देख करके हम थोड़ा सा ये भी अंदाज कर सकते हैं कि ये लेसन किस चीज के बारे में है. ओके, सो ऑन पेज नंबर 41 ये एक पिक्चर दिख रही है. यू कैन सी अ पिक्चर. ठीक है, एक पिक्चर दिख रही है. पिक्चर क्या है? पिक्चर में यू कैन सी अ बॉय, एक बॉय हमें दिख रहा है. वी कैन सी अ फ्रॉग, एक फ्रॉग है. And we can see a bathtub. ये जो नीचे है पूरा, this is known as bathtub. इसे हम क्या कहते हैं? Bathtub. Bathtub सुना होगा, जिसमें हम आराम से लेट करके नहा सकते हैं. Bathtub में नीचे एक opening होती है, उसको हम close कर देते हैं. उसका पानी, जब नहाने के बाद पानी गंदा हो जाता है तो उस opening को खोल देते हैं, पानी सारा बह जाता है, उसको हम close कर देते हैं. एंड देन इट इज़ फिल्ड विथ वाटर. बाथटब की पोजीशन ऐसी होती है, उसमें टैप होता है, उसको फर्स्ट इट इज फिल्ड अप विद वाटर, वार्म वाटर, कोल्ड वाटर, जिसकी जैसी भी मर्जी हो सूट डाल के. देन यू कैन जस्ट लाई डाउन इन इट. बाथटब के अंदर आप आराम से लेट करके आराम से लेट सकते हो. एंड इट इज क्वाइट ह्यूज, काफ़ी बड़ा होता है, बिकॉज उसमें पूरे बड़े लोग भी पूरे उसमें आराम से लेट सकते हो. तो आप इतने बहुत छोटे बच्चे हो भी, तो बाथटब में लोग आराम से लेट करके यू कैन से कि रिलैक्स करते हैं. ठीक है, जैसे बहुत थके होते हैं बाथटब में लेट के, समर्स में स्पेशली गर्मी के दिन में ठंडे ठंडे पानी में नहाने में बहुत मज़ा आता है. सो दिस इज अ बाथटब. छोटे जब बच्चे होते हो टब में, सब बच्चे नहाते हो, बहुत मज़ा आता है ना टब में बैठ के पानी पे ऐसे छप 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 करने में, बहुत मज़ा आता है. सभी बच्चों ने किया होगा. एंड एज सच पानी बच्चों को बहुत पसंद है. आई एम श्योर व्हेन यू वर वेरी स्मॉल तो ज़रूर टब में बैठ करके पानी से खेलते होंगे. बाथटब है तब छोटा होता है, जब बड़े हो जाते हैं तो टब के अंदर तो नहीं बैठ सकते, तो बाथटब में बैठते हैं. ठीक है, सो वी कैन सी अ बाथटब.
we can see a frog and we can see a boy. So that means ये जो poem है, ठीक है, this poem is somehow related to these three. ये जो poem है, it is boy, frog and bath. ये तीन चीज से related है, okay? Because in the picture we can see these three. ये हम एक boy देख सकते हैं, we can see a frog and we can see a bath. So that means the poem is related to these three. Okay? So the name of the poem is A Little Frog. ठीक है? A Little Frog मतलब एक छोटा सा frog. A Little Frog that is एक छोटा सा frog. Okay? Now let us see, let us read the poem first. एक बार मैं just poem read करके, read and recite. I'll just read the poem, recite it and I will just explain the meaning first. ठीक है, उसके बाद फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगी. आई हैव अ लिटिल फ्रॉग, हिज नेम इज टाइनी टिम. आई पुट हिम इन द बाथटब टू सी इफ ही वुड स्विम. ही ड्रैंक अप ऑल द वाटर एंड गॉबल्ड अप द सोप एंड व्हेन ही ट्राइड टू टॉक ही हैड अ बबल इन हिज थ्रोट. इट इज अ वेरी स्मॉल पोएम, जस्ट एट लाइन्स. सिर्फ एट लाइन्स की एक छोटी सी पोएम है. ठीक है, नाउ द चाइल्ड इज सेइंग आई हैव अ लिटिल फ्रॉग. ओके, सो अगेन दिस पोएम इज इन फर्स्ट पर्सन. ठीक है, ये पोएम क्या है, फर्स्ट पर्सन में है. बिकॉज द चाइल्ड सेज आई हैव अ लिटिल फ्रॉग, मेरे पास एक छोटा सा फ्रॉग है. यहाँ पे द चाइल्ड सेज आई हैव अ लिटिल फ्रॉग, तो द पोएम इज इन फर्स्ट पर्सन. ठीक है, फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन दैट इज जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, क्या मैं बोल रही हूँ, आई एम गोइंग टू रीड द पोएम. मैं पोएम रीड करने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू रीड द पोएम. सो आई मतलब मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू रीड द पोएम. यू आर वॉचिंग द वीडियो, यू आर लिसनिंग टू मी, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो यू आर द सेकेंड पर्सन, बिकॉज यू आर इन फ्रंट ऑफ मी. आप फिजिकली मेरे सामने नहीं हो, बट मैं ये एज्यूम करती हूँ ना कि आप लोग सामने हो और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो यू आर द सेकेंड पर्सन. ठीक है, और बताया था मैंने कि जिसके बारे में हम बात करते हैं, इफ द पर्सन इज नॉट प्रेजेंट देयर, जो कोई वहाँ पे नहीं है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दैट पर्सन, वो क्या है, थर्ड पर्सन. हम भी नहीं हैं, आप भी नहीं हो, कोई और है. व्हेन फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स जब मैं खुद रीड कर रही हूँ, सो इट इज फर्स्ट पर्सन. ठीक है, सो द फर्स्ट लाइन इज आई हैव अ लिटिल फ्रॉग. बॉय सेज आई हैव अ लिटिल फ्रॉग, मेरे पास एक छोटा सा फ्रॉग है. दैट मीन्स द पोएम इज इन फर्स्ट पर्सन. पोएम किस में है, फर्स्ट पर्सन में है, कि मेरे पास एक छोटा सा फ्रॉग है. हिज नेम इज टाइनी टिम, उसका नाम टाइनी टिम है. हियर हिज इज यूज्ड फॉर द फ्रॉग, यहाँ पे हिज किसके लिए यूज कर रहे हैं, फ्रॉग के लिए. ठीक है, आई हैव अ लिटिल फ्रॉग, हिज नेम, मेरे पास एक छोटा सा फ्रॉग है, उसका नाम. तो हिज इज यूज फॉर द लिटिल फ्रॉग. लिटिल इज एन एडजेक्टिव हियर चिल्ड्रन, इट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ द फ्रॉग. लिटिल का मतलब क्या है, छोटा. तो द वर्ड लिटिल इट टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ द फ्रॉग. फ्रॉग के साइज के बारे में हमें बता रहा है. सो लिटिल इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. आई पुट हिम इन द बाथटब, मैंने उसको बाथटब में रखा. ठीक है, मैंने उसको बाथटब में रखा. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाथटब में फ्रॉग को रखा है. ठीक है, सो आई पुट हिम इन द बाथटब, पुट मतलब मैंने उसको बाथटब में रखा. टू सी इफ ही कुड स्विम, टू सी इफ ही कुड स्विम मतलब ये देखने के लिए कि वो स्विम कर सकता है या नहीं. ठीक है, टू सी इफ ही कुड स्विम मतलब कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. कैन का मतलब होता है किसी काम को कर सकना. मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क. तो उसने ये चेक करने के लिए कि वो फ्रॉग स्विम कर सकता है कि नहीं, टू सी इफ ही कुड स्विम. ही ड्रैंक अप ऑल द वाटर, ड्रैंक इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ड्रिंक मतलब बॉय ने उसको जब
बाथटब में रखा ये चेक करने के लिए कि वो स्विम कर सकता है कि नहीं। फ्रॉग ने क्या किया, उसने पूरा का पूरा पानी पी लिया। ही ड्रैंक अप ऑल द वाटर, उसने पूरा पानी पी लिया। ड्रैंक इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, ड्रैंक इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ड्रिंक। एंड गॉबल्ड अप द सोप, गॉबल मतलब निगल जाना। इफ यू रिमेंबर मैंने जब गुड फूड वाला चैप्टर पढ़ाया है ईवीएस में, तो आई ऑलवेज से कि च्यू योर फूड वेल, डोंट गॉबल इट अप, मतलब अपने खाने को निगल मत जाओ, उसको अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए, चबा के खाना चाहिए। तो जब बॉय ने फ्रॉग को बाथटब में रखा ये चेक करने के लिए कि वो स्विम कर सकता है कि नहीं, उसने क्या किया, वो सारा पानी पी गया। एंड गॉबल्ड अप द सोप, जो सोप था वो भी उसे निकल गया। बिकॉज द फ्रॉग डिड नॉट नो कि उसको सोप जो है उसको खाना है कि क्या करना है, उसको लगा इट इज समथिंग टू ईट एंड उसने पूरा सोप निकल लिया। गॉबल मीन्स फटाफट जल्दी से उसने खा लिया। एंड व्हेन ही ट्राइड टू टॉक, जब उसने बोलने की कोशिश की, तो ही हैड अ बबल इन हिज थ्रोट, अभी उसने सारा का सारा पानी पी लिया फ्रॉग ने, ठीक है, उससे सोप भी बबल कर लिया। अब जब उसने बोलने की कोशिश की तो क्या हुआ, तो उसके थ्रोट में एक बबल बन गया। कभी आपने भी देखा होगा कि व्हेन यू मिक्स सोप एंड वाटर, जब कभी बाल में शैम्पू करते हो, आप नहाते हो, सोप लगाते हो, कपड़े धोते हैं, तो जब हम व्हेन वी मिक्स सोप एंड वाटर क्या होता है, बबल्स बनते हैं ना। सोप एंड वाटर को जब हम मिक्स करते हैं तो बबल्स फॉर्म, देखा होगा ना, बबल्स बनते हैं। तो दैट इज व्हेन वी मिक्स सोप एंड वाटर, तो यहाँ पे फ्रॉग ने पूरा का पूरा पानी पी लिया एंड पूरा का पूरा सोप बबल अप कर लिया। उसे क्या हुआ, उसके थ्रोट में जब उसने बात करने की कोशिश की तो उसके थ्रोट में क्या हुआ, देयर वॉज अ बबल, उसके थ्रोट में बबल बन गया एंड ही कुड नॉट स्पीक। सो दिस इज द पोएम चिल्ड्रन, वेरी स्मॉल पोएम, ओके। इसको नाउ आई एम गोइंग टू राइट द पोएम, ठीक है, अभी मैं ये पोएम लिखने जा रही हूँ बोर्ड पे, एंड यू ऑल्सो हैव टू राइट इट। आपको भी अपने नोटबुक में फर्स्ट यू विल राइट क्लास वर्क, ठीक है, डे टर्म राइट क्लास वर्क, राइट पोएम नंबर 3 एंड देन पोएम नेम, ओके। अभी मैं इसको लिखने जा रही हूँ, ओके। राइट वेरी नीटली, जैसे बुक में लिखा है एक एक लाइन में वैसे लिखना है, ओके। रीड एंड रिसाइट, रीड एंड RECITE, रीड रीड मतलब पढ़ना, और रिसाइट वी रिसाइट अ पोएम, पोएम को हम रिसाइट करते हैं, जिस तरह से पोएम को बोला जाता है दैट इज नोन एज रेसिटेशन, पोएम रेसिटेशन बोलते हैं, ठीक है। रीडिंग एंड पोएम रेसिटेशन, वी नेवर से पोएम रीडिंग, ठीक है, पोएम को हम रीड करना नहीं बोलते हैं, पोएम को हम रिसाइट करना बोलते हैं, रिसाइट द पोएम, ओके। आई have a LITTLE little FROG, I have a little frog। Children if you have any doubt regarding the spelling, मेरी कहीं भी handwriting अगर थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आता है, अभी तो by now I am sure you all are very used to, इतने दिनों से अभी देख रहे हो तो अभी तो सबको मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बट स्टिल इफ एट एनी प्लेस इफ यू आर नॉट एबल टू रीड की क्या लिखा है, प्लीज़ कंसल्ट द बुक चलो, ठीक है, आपकी बुक है, बुक की पोएम है तो प्लीज़ कंसल्ट योर बुक, क्योंकि गलत स्पेलिंग नहीं लिखना। फाइन, सो आई हैव अ लिटिल फ्रॉग, हिज नेम इज TINY, tiny Tim, ओके। यहाँ पे जो his word है, his is used for frog, ठीक है, मेरे पास एक छोटा सा frog है उसका नाम, तो his name is, ओके, his is used for frog, his name is tiny Tim। I put him in the bathtub, I put
put him in the bathtub to see if he would swim. I put him in the bathtub. मतलब मैंने उसको बाथटब में रखा ये देखने के लिए कि वो स्विम कर सकता है या नहीं. ठीक है, ये चेक करने के लिए कि वो स्विम कर सकता है कि नहीं. टू सी इफ ही कुड स्विम. ओके, आई पुट हिम इन द बाथटब टू सी इफ ही कुड स्विम. फाइन, ही ड्रैंक अप ऑल द वाटर. उसने सारा पानी पी लिया. He D-R-A-N-K drank up all the water. उसने सारा पानी पी लिया. ठीक है, उसी if he could swim यहां तक लिख लिया ना. He drank up all the water. उसने सारा पानी पी लिया. And G-O-B-B-L-E-D bobble up the soap. He drank up all the water. Drank is the past form of the word drink. ठीक है, drank is the past form of the word drink. तो उसने सारा पानी पी लिया. He drank up all the water. And gobble up the soap. Gobble means जल्दी से खा जाना, जल्दी से किसी चीज को निगल जाना. And when he tried to talk. And when he tried to talk, I hope children you can see, he had a B-U-B-B-L-E bubble in his throat. He had a bubble in his throat. I have a little frog. I के साथ have या has, जैसे मैंने बताया था कि have and has is used to show possession. जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास I have two pens, I have a beautiful dress, I have a beautiful doll, I have many toys. तो जब हम अपने लिए बात करते हैं, when we say I के साथ has have use करते हैं. I have, you have and अगर if you talk about someone else, he or she or it, then we say has. So he has, she has and it has. I have a little frog. मतलब मेरे पास एक छोटा सा frog है. I have a little frog. His name is Tiny Tim. Now see, little and tiny. Little का मतलब भी छोटा and tiny also means छोटा. These are words with similar meaning. इसके पहले वाले लेसन में मैंने पढ़ाया था वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग. तो ठीक है, लिटिल स्मॉल टाइनी सबका मतलब है छोटा. तो हिज नेम इज टाइनी टिम. टाइनी टिम इज द नेम. ठीक है, टाइनी टिम यहाँ पे क्या है, नेम है. दैट इज वाई टी इज कैपिटल, टी इज कैपिटल. हिज नेम इज टाइनी टिम. ठीक है, टाइनी का टी एंड टी बोथ आर कैपिटल बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ द फ्रॉग. सिंस इट इज़ अ लिटिल फ्रॉग तो उसका नाम जस्ट इमेजिनरी नाम है. एंड जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वेन वी राइट पोएम्स, जब हम पोएम पढ़ते हैं, पोएम लिखते हैं, तो पोएम पढ़ने का मेन एम होता है जस्ट टू अप्रिशिएट द लैंग्वेज. पोएम में ऐसा नहीं कि हम ग्रामेटिकल ये नहीं देखते कि अरे ये लाइन तो गलत है, इसमें ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है. पोएम इज मेनली लर्न्ड. पोएम हम बेसिकली पढ़ते क्यों हैं, टू लर्न इट, टू रिसाइट इट एंड टू अप्रिशिएट, टू इंजॉय. ठीक है, लैंग्वेज को अप्रिशिएट करने के लिए, उसको इंजॉय करने के लिए हम पोएम पढ़ते हैं. राइट, तो आई हैव अ लिटिल फ्रॉग. मेरे पास एक छोटा सा फ्रॉग है.
उसका नाम his name is Tiny Tim. उसका नाम Tiny Tim है. I put him in the bathtub. Put मतलब रखना, ठीक है. I put him in the bathtub. उसको मैंने bathtub में रखा to see if he could swim. ये देखने के लिए कि वो swim कर सकता है या नहीं. He drank up all the water. वो सारा पानी पी गया, ठीक है. Drank word is the past drank. Drank is the past form of the word drink. ठीक है, drink का मतलब होता है पानी पीना. ठीक है, I drink water. We must drink 6 to 8 glasses of water every day. And drank is the past form of drink. ठीक है, drank drink का past form है. तो जब उसने बाथटब में रखा फ्रॉग को ये चेक करने के लिए कि वो स्विम कर सकता है कि नहीं, इंस्टेड व्हाट डिड द फ्रॉग डू? एक तो उसने सारा पानी पी लिया, ही ड्रैंक अप ऑल द वाटर एंड गॉगल्ड अप द सोप. गॉगल मतलब जल्दी से वो सोप को निगल गया. एंड व्हेन ही ट्राइड टू टॉक, जब उसने बात करने की कोशिश की तो ही कुड नॉट बिकॉज ही हैड अ बबल इन हिज थ्रोट. He drank up all the water and gobbled up the soap. And when he tried to talk, okay, drank, gobbled is again past form of gobble. The word is gobble. The word is gobble. Or gobble मतलब जल्दी से खा जाना, निगल जाना. Gobble is the past form of gobble. ठीक है. And when he tried, tried again is T-R-Y, try. Try माने कोशिश करना. The word is try, T-R-I-E-D. Try is the past form of try. Try मतलब कोशिश करना. और since यहाँ पे वो past tense में हो गया, वो बोल रहा है कि उसको मैंने bathtub में रखा ये चेक करने के लिए कि वो स्विम कर सकता है कि नहीं. उसने क्या किया, उसने सारा पानी पी लिया, सोप को खा लिया जल्दी से. और जब उसने बात करने की कोशिश की, try means कोशिश. Try is the word T-R-Y, try. And when he tried, जब उसने बात करने की कोशिश की, when he tried to talk, he had a bubble in his throat. उसके throat में क्या था? Had, had again is the past form of verb, has or had. Has या have होता है, has या have show करता है कि हमारे पास जब कोई चीज़ होती है, to show position. जब हमारे पास कुछ होता है तो वो बताने के लिए वी यूज हैज और हैव. ठीक है, हम हैज या हैव यूज करते हैं. हैड इज द पास्ट फॉर्म. ये दोनों वर्ड्स का पास्ट फॉर्म है एच ए बी हैव. ठीक है, तो सिंस यहाँ पे पास्ट टेंस पे बात हो रही है, तो जब उसने बात करने की कोशिश की, ही हैड अ बबल इन हिज थ्रोट. उसके थ्रोट, थ्रोट मीन्स गला. ठीक है, अब उसने इतना पानी पी लिया था, उस पर से सोप भी खा लिया, उससे गले में क्या हो गया, एक बबल हो गया, इसलिए वो बात नहीं कर पाया. बबल होता है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं बुलबुला, पानी का बुलबुला. ठीक है, आप भी जब सोप और वाटर मिक्स करते होगे तो देखते होगे उसमें बबल्स बनते हैं. जब उसको पानी पर हाथ में भी अगर ऐसे ले करके सोप एंड वाटर के पानी को हैंड वॉश जब करते हो और हैंड वॉश करते हो तो क्या होता है, हाथ में कितने बबल्स बनते हैं ना. हाथ में सोप लेते हैं, उसे वाटर डाल देते हैं, हैंड वॉश जब करते हैं तो हाथ में बहुत सारे सोप होते हैं, उसको अगर इफ़ यू ब्लो देम ऐसे करके फूंक मारोगे तो जो सोप के जो बबल्स होते हैं वो ऐसे हवा में उड़ते हैं, बिकॉज उनके अंदर एयर होती है. मैं ईवीएस में आगे पढ़ाऊंगी, उन बबल्स के अंदर एयर होती है. तो जब आप हैंड वॉश करते हो या कभी भी हाथ में सोप का वाटर लो, ऐसे करके धीरे से उसको ब्लो करोगे तो एक बबल्स फॉर्म होते हैं, ऐसे जब फूकोगे तो वो बबल्स हवा में उड़ते हैं. तो बबल मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं बुलबुला. ठीक है, जब उससे बात करने की कोशिश की तो उसके गले में क्या हुआ, एक बबल बन गया. तो दिस इज अ पोएम, इट्स अ वेरी स्मॉल पोएम. इसका अभी न्यू वर्ड्स को भी मैंने लिखाऊंगी, स्पेल वेल वर्ड्स. इसमें लिटिल, द वर्ड लिटिल इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. यहाँ पे जो वर्ड लिटिल है वो क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है. ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड बिकॉज इट टेल्स अस द साइज ऑफ द फ्रॉग. लिटिल फ्रॉग, इस हमने लेसन 3 में पढ़ा था, स्लीपी कैट
lazy dog, noisy duck, hard-working hen, little frog. So little means chota. Kaisa tha frog? Chota tha. How was the frog? Chota tha. So yahan pe jo word little hai, it tells us the size of the frog. Frog ka size bata raha hai. So therefore, this word little is a describing word. ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड. अभी डिस्क्राइबिंग वर्ड को ग्रामर में एडजेक्टिव कहते हैं, अभी वो हमने नहीं पढ़ा है, बट ऑफ कोर्स इन आवर मेन कोर्स बुक वी हैव डन द एक्सरसाइज. ठीक है ना, तो लिटिल इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट्स नेम इज टाइनी टिम. ठीक है, और कोई यहाँ पे इस पूरी पोएम में और कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है. फ्रॉग, फ्रॉग क्या है? फ्रॉग इज अ नेमिंग वर्ड. ठीक है, इट इज द नेम ऑफ एन एनिमल. Frog is a naming word. Tiny Tim is a naming word. Then his. His hai. I. He. These words. His. I. He. He drank up all the water and gobbled up the soap. And when he tried to stop, he had a bubble in his throat. ये वाले words कौन से words कहलाते हैं? अभी हमने जस्ट previous lesson में पढ़ा था. These are known as pronouns, which are used in place of nouns. जब nouns को बार बार naming word को अगर हमें repeat ना करना हो. ठीक है, अभी I have a little frog. His name, यहाँ पे his is used for frog. I is the child. I मतलब child who is narrating the poem. एक छोटा लड़का है. ठीक है ना, तो जो poet है जिसने भी ये poem लिखी है उसने अपनी तरफ से इस बॉय को पोएम बोलते हुए दिखाया है. ठीक है, तो आई मीन्स द लिटिल बॉय हु इज रिसाइटिंग द पोएम, जो पोएम बोल रहा है. सो आई पुट हिम इन द बाथटब. हिम, हिम इज ऑल्सो यूज फॉर द फ्रॉग. हिम वर्ड जो है ये भी फ्रॉग के लिए यूज हुआ है. दिस इज ऑल्सो अ प्रोनाउन. उसको मैंने एक बात करके रखा. टू सी इफ ही कुड स्विम, ही इज ऑल्सो यूज फॉर फ्रॉग. ठीक है, he drank up, he is again, he क्या है, pronoun है, he is, he, everywhere it is used for he. पूरी poem में there are two characters, one is the boy and one is the frog. पूरी poem में दो लोग हैं, एक boy है और एक frog है. तो boy के लिए क्या use किया है, I, and rest all other pronouns, that is he, his, him. All these three are used for the frog. ठीक है, then अभी मैं blue color से underline करती हूँ these words. Put. ठीक है, put. See. Swim. Drank. Bobble. Tried. ये सब क्या है, all these are एक्शन वर्ड्स. ठीक है, दीज वर्ड्स टेल अस द एक्शन. आई पुट, पुट मतलब रखना. टू सी, सी मतलब देखना. इफ ही कुड स्विम, स्विम तैरना, ये भी एक एक्शन है. ही ड्रैंक अप, सारा पानी पी लिया उसने. ठीक है, ड्रैंक मतलब सारा पानी पी लिया. बॉबल, जल्दी से खा लिया. ही ट्राइड, ट्राइड मतलब उसने जब बोलने की कोशिश की. सो ऑल दीज वर्ड्स आर कौन से वर्ड्स हैं, दीज आर एक्शन वर्ड्स. ठीक है, बिकॉज दीज वर्ड्स टेल अस द एक्शन. उसके अलावा क्या है, देखो फ्रॉग है, देन बाथटब, देन वाटर, सोप. टॉक इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड. टॉक क्या है, टॉक भी वर्ब है, एक्शन वर्ड है. देन बबल, so these are naming words. Frog, name of an animal. Okay, then bathtub, it is the name of a thing. Water, water is the name of a thing. Pani, pee, cheez hai, pani ka naam hai. Water is also a naming word. Soap, soap is also a naming word. Then bubble, bubble kya hai, jise maine bataya tha, bulbula. ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ थिंग. सो बबल इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड. एंड थ्रोट, थ्रोट मीन्स गला, इट इज अ बॉडी पार्ट. ओके, सो चिल्ड्रन दिस इज अ वेरी स्मॉल एंड वेरी स्वीट पोएम.
write the poem in your notebook and then learn it. In the next class, we will be doing spell-well words and word meaning. Since it is a very small poem, so there are very few spell-well words and very few word meaning. Just two, okay? And then we have exercises. Okay, children? So that is all for the day. Write this poem in your notebook. Write it very neatly. Okay? So that is all for the day. Thank you and have a good day.